थैंक यू सो मच, आई लव यू। बहुत बढ़िया। समोसे में मजा है कि नहीं? समोसे में मजा होना इतना पड़ता है। हमारे बच्चे आ रहे हैं कल। आपके बच्चे? क्या कर रहे हैं सर? हम फ्रेशर्स कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज। यस, हम आपको लेना चाहेंगे टू अ वॉक थ्रू। तो वॉक थ्रू है, ठीक है, यहां से अंदर घुसेंगे। ठीक, अब आप खुद आगे देख सकते हैं। ओके, लेट्स गो इनसाइड। माशाल्लाह, क्या तैयारी चल रही है। दिस इज हॉल, अभी इसकी तैयारी चल रही है। हमारे बैचमेट है दी मेन टाइकून हियर मिस्टर अरसलान सर। अब बताएं सर, क्या करेंगे आज आप? जो हम करेंगे ना, दिन को क्या किया आपने? वो कल पता चलेगा। दिन को कितना किया आपने? कल का बनेगा ना, कल आएगा ना। फ्रेशर्स वेशर्स सब कुछ फ्रेशर्स। अब आज बहुत थके होंगे मुझे लगता है। ओ, टांगे नहीं चल रही मेरी। मैं टांगे नहीं चल रही। गेट मेरा नया गेट है, उसको मैं बोलता हूँ सीजर गेट। सीजर गेट, नाइस। मैं चलता हूँ। ये हमारे प्लेयर नदीम ने आज गोल किया। नदीम, इसका गोल होते होते बच गया था। सू क्या हो? सू ये हमारा बॉसी गोल करते करते बच गया था। गोल बच गया, ये बच गया। तू बच गया रूट में, रूट। अच्छा अच्छा, चल कोई ना। तैयारी हो रही है बड़ी धूमधाम से। कल जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, देख लो। ये है ऑडिटोरियम हमारे जिम सी 12 का। तो इसी में अभी तैयारी कर रहे हैं हमारे बैच के जो उनके इमीडिएट सीनियर थे, जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके। बिल्कुल फुल जोश से हुआ। हर जगह लाइट्स लगाई उन्होंने जैसे शादी है। चलो कोई नहीं, ये भी एक ड्रीम होती है, लीग क्वालिफाई करना, फिर फेलिसिटेशन होना। ये एक मेमोरी रहती है बंदे की लाइफ में। तो आने दो जूनियर्स को। देखो तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। दबा के मेहनत चल रही है, देख ले। अब एंट्रेंस कैशियर साहब, कैशियर साहब। सर सर, कितना खर्चा आया आपको इस फंड? ढाई करोड़। स्टिल काउंटिंग। इतनी बड़ी फाइल आपने उठाई, इसमें क्या है? इतनी बड़ी फाइल? ये फाइल एथिक्स की फाइल है। आई एम द मैनेजर ऑफ एथिक्स कमिटी मैनेजमेंट। ओके सर, आप साथ में संभाल रहे हैं इनका? अब किसी को जरूरी देखना पड़ता है। हमारे बच्चे आ रहे हैं कल। आपके बच्चे? मैंने नहीं बोला मेरे बच्चे, मैंने बोला हमारे बच्चे। हमारे कहां से? आप हर चीज को गलत सेंस में क्यों लेते हैं? आप गलत में बता रहे हैं। ठीक है भाई, अपने माँ बाप के बच्चे आ रहे हैं। MBBS में नया बैच, MBBS का नया बैच आ रहा है। ऐसे बता सकते हैं आप? हम उनके स्वागत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं उनको। स्वागत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों? सीधा स्वागत खाली करता हूँ। नई जर्नी एक स्टार्ट हो रही है जो बहुत ही मुश्किल है। रात को हमने दिखाया था आपको कि हम तैयारी कर रहे हैं, आज कोर्ट सेरेमनी है 2023 बैच की। तो थोड़ा लेट हो गया था हमें रात को, इसलिए लेट सोए तो ऑब्वियसली लेट उठना ही पड़ा। अब हमें थोड़ा लेट हो गया है, जल्दी जाना है। तो वाइट कोट सेरेमनी शुरू हो गई है, वहाँ हमारा कॉलेज है सामने एकेडमिक ब्लॉक, वहाँ पे सेकंड फ्लोर में ऑडिटोरियम है, उसमें हमें आज वाइट कोट सेरेमनी है 2023 बैच की। तो उसके लिए मैं निकल रहा हूँ, जल्दी जल्दी निकलना है, एकदम वाइट अपन पहन के निकले। चलो मिलते हैं वहीं पे। बैनर्स रात को लगे थे, एक यहाँ पे और इंक्लूड किया गया है, ये वाला सीधा सामने यहाँ पे। कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम। यहाँ से रास्ता ऑडिटोरियम की तरफ, दिस वे। देखो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी है, सेकंड फ्लोर में है, दिस वे। रूम पे जाओ। हेलो,
यहाँ से फैकल्टी एंट्रेंस और यहाँ से स्टूडेंट एंट्रेंस है। चलो हम जाते हैं यहीं से। Those of medicine, I commit myself to a lifelong journey of learning how to cure, relieve, and comfort with humility and compassion. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Thank you. My name is Idris Ashraf. I am from Bargam, Sholipura, Bargam, and it's known to everyone, and I am super excited this time as I am watching myself here in front of this podium, and.
और अब हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, हमारे बैचमेट्स जिन्होंने हेल्प किया वॉलंटियर्स जूनियर्स भी खा रहे हैं। ये है हमारे पास थोड़ा बहुत खाने का मटेरियल, तो खाते हैं फिर। सो फाइनली द इवेंट इज ओवर, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हमारे कैसा लगा आपको?